नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। लखनऊ मुंबई पुष्कर एक्सप्रेस में एक महिला के साथ कथित गैंगरेप की वारदात सामने आई है, जिसके बाद चार लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और चार अन्य की तलाश की जा रही है। वहीं एक बार फिर से रेलवे की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, 8 बदमाशों ने इगतपुरी कसारा स्टेशनों के बीच यात्रियों को लूटा। बदमाश ट्रेन में इगतपुरी से स्लीपर बोगी D2 में चढ़े थे। घाट इलाका होने की वजह से रात में यहाँ यात्रियों को किसी तरह मदद नहीं मिल पाई। लूटपाट के दौरान ही बदमाशों ने अपने पति के साथ सफ़र कर रही 20 साल की महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्कर एक्सप्रेस ट्रेन में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में इगतपुरी स्टेशन से करीब 8 लोग एक स्लीपर कोच में सवार हुए थे। इन लोगों ने सबसे पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपियों ने अपने पति के साथ ट्रेन में बैठी एक महिला के साथ घाट इलाके में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में GRP कमिश्नर केसर खालिद ने बताया कि करीब 8 लोगों ट्रेन में चढ़े थे। इन लोगों ने पहले लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, फिर एक महिला जो कि अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और 4 अन्य की तलाश की जा रही है। बता दें, कसारा पर पहुंचने के बाद यात्रियों ने रेलवे से हेल्प मांगी तो मुंबई GRP ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई की। मुंबई GRP पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन पर इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।